नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा महापंचायत का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, युवा शक्ति को उचित मंच और अवसर देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का हुआ शुभारंभ। राज्य सरकार की योजनाओं से लोक कलाकारों को मिल रहा प्रोत्साहन। राजस्थान की बेटियों को मोबाइल से मिल रही स्माइल। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं और महिलाओं को स्मार्टफोन की सौगात। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सवाई मानसिंह स्टेडियम के कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य स्तरीय युवा महापंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुप्रीति कोचिंग योजना, मेगा जॉब फेयर या फिर विवेकानंद छात्रावास, राजस्थान सरकार विभिन्न योजनाओं व प्रयासों से युवा शक्ति को उचित मंच, अवसर व रोजगार प्रदान करने में संलग्न है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का बजट युवाओं को समर्पित है, जिसमें राजस्थान की नई युवा नीति को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग युवा वर्गों से सुझाव लिए और शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों को अपने मसौदे में शामिल किया। मुझे बहुत पसंद है कि आज मैं युवा नीति के विमोचन के अवसर पर मैं भी आपके बीच में हाजिर हूँ। मैं सबसे पहले अपनी ओर से तमाम प्रदेशवासियों, युवाओं को, छात्रों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। युवा नीति बनती है तो आप सोच सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए युवाओं किस दिशा में जाना है, सरकार की भावना क्या, उनके प्रति प्रतिबद्धता क्या है, वो तमाम बातों को ध्यान में रखकर के बनाई जाती है। क्योंकि मैंने कहा युवाओं को समर्पित है बजट, इसके मायने की कई योजनाएं हैं और भी योजनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि मैं अपने फेसबुक पे आज शाम को उन सब योजनाओं को जो युवाओं के लिए बनाई है उसको मैं पोस्ट कर दूँ। आप उनको देखिएगा, ज़रूर समझिएगा और कैसे समाज को, युवाओं को उसका लाभ मिल सकता है। क्या हमने 500-700 करोड़ रुपये रखे हैं युवा बोर्ड के लिए। पहले अध्यक्ष जो युवा महोत्सव मना रहे हम लोग राजस्थान के अंदर, विवेकानंद के नाम से हम लोग हर जिले में हॉस्टल बना रहे हैं, 75 करोड़ रुपये मैंने रखे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित लोक कला और सामाजिक सुरक्षा उत्सव में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोक कलाकारों, पथ विक्रेताओं और गिग वर्कर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपनी कला के माध्यम से आजीविका चलाने वाले कलाकारों की कला को सम्मान और उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए ये योजना लाई गई है। योजना में कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही योजना के तहत लोक कलाकारों को हर साल 100 दिन विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों में कला प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3,000 लोक कलाकारों के खातों में 5,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए। साथ ही लोक कलाकारों और वाद्य यंत्र और लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड भी प्रदान किए। कला और संस्कृति हमारी पहचान, हमारे देश की पहचान है, जिसको आपने जीवित रखा है। आपके पूर्वज से उन्होंने शुरुआत की और आज हम यहाँ तक पहुँचे। सरकार का पूरा ध्यान आपकी तरफ है। कोरोना के अंदर भी ध्यान रखा हमने, बगैर मांगे हुए। कलाकार स्वयं मांगे धनी होते हैं, तकलीफ में रहे परंतु कोई मांग नहीं रखी। सरकार ने खुद ने आगे आकर के आपको घर बैठे हुए प्रत्येक को 5,000 रुपये की सहायता देने का प्रयास किया। हमारी कला, हमारे कलाकार, उनके वाद्य यंत्र जिनके लिए हमने अभी योजना बनाई है विश्वकर्मा के नाम से, भी तमाम कलाकारों को उनका वाद्य यंत्र के लिए 5,000 रुपये मिलेंगे। अभी कई कलाकारों का आपके सामने उनके वाद्य यंत्र की भेंट की गई, तो सरकार आपके साथ खड़ी है आगे भी। इस योजना के लिए लोक कलाकारों ने मुख्यमंत्री श्री गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें अब सम्मानजनक और सुरक्षित आजीविका मिल सकेगी।
मेरा नाम खेत सिंह राव है, मैं गायक हूँ, लोक गायक पोकरण से यहाँ पर इस मेले में आया हूँ। जो ये हमारे सीएम साहब ने ये कलाकारों का मेला लगाया, बहुत ही अच्छा, देखकर ही बहुत नजरें भर गई, दिल भर गया, बहुत बहुत पता तो चला कि कोई तो है जो कलाकारों के बारे में सोचे, कोई नहीं सोचता साहब। अभी पहले तो कुछ कोई कलाकार अपना काम करते थे, पैसा कमाते थे, अपना रोजगार चलाते थे, लेकिन बीच में ये कोरोना का टाइम आया, उसमें लॉकडाउन लग गया, ऐसा करके अभी लॉकडाउन में हम सुने थे कि ये योजना गहलोत साहब चालू कर रहे हैं, कलाकारों को भी संबल प्रदान करेंगे, आर्थिक सहायता देंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे, तो हम बड़े खुश हुए और समय आने पर अभी ये योजना लागू भी हो गई। मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना शुरू की है, ये कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छा है, और जैसे कलाकार वृद्ध है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी योजना है, और कलाकारों के लिए बहुत अच्छी योजना है, और इसमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा, स्टेज मिलेगा कलाकारों को, और आगे बढ़ने का पहचान होगी और खुद की पहचान होगी कलाकारों की अपने अपनी, और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और बहुत ही अच्छा ये मुख्यमंत्री जी ने कलाकारों के लिए ये शुरू किया है। ये हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने किए तो सब बुजुर्ग हो गए, लेडीज के लिए 100 दिन का रोजगार मिल रहा है, इतनी खुशी है मैं हम सोच नहीं सकते। और अशोक गहलोत जी बहुत अच्छे हैं, जो हमारे लिए इतना सोच तो रहे राजस्थान कलाकारों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लोक कलाकार को जैसे मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, उसी प्रकार से आम लोक कलाकार को हम मनरेगा में 125 दिन का, और लोक कलाकार को 100 दिन का रोजगार दे करके मुख्यमंत्री जी ने हम सब कलाकारों को उपहार दिया है। हम बहुत बहुत हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं सभी कलाकारों की ओर से। हम जितने भी जो तमाम कलाकार आए हैं, पूरे राजस्थान की जो शैली है, जो धरोहर है, जो परंपरागत लोक कलाकार है, उसमें सभी जो हमारी कम्युनिटी है, हम हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं। मेरा नाम रेखा है और मैं पुष्कर से हूं, और मैं रेखा कालबेलिया हूं, और यहां पे हम जयपुर में आए अशोक जी के, तो उनकी तरफ से हम जयपुर में कार्यक्रम करने के लिए आए, और हमारे को बहुत खुश है कि वो हमारे को काम दे रहे हैं। इनका हम कलाकार हैं, कलाकार कम्युनिटी कालबेलिया से, मिथिले से, पोकरण गांव से आया हूं मैं। राज्य सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं और महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। स्मार्टफोन पाकर इनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कैसे राजस्थान की बेटियों को मोबाइल से मिली स्माइल, आप भी देखिए। मेरी हॉबीज है स्विमिंग, ड्राइंग एंड स्केचिंग। मेरी हॉबी डांसिंग है। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं किताबें पढ़ती हूँ, और मुझे थोड़ा बहुत डांसिंग में इंटरेस्ट है, तो वो भी कभी कभार कर लिया करती हूँ। मैं अपनी मम्मी का फ़ोन यूज़ करती हूँ जनरली। मैं मेरी बहन का यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं अपने पापा का फ़ोन यूज़ करती हूँ। करंटली मैं रियलमी नार्जो का मोबाइल यूज़ करती हूँ, जिसे मैं, मम्मा और दीदी हम तीनों यूज़ करते हैं। मैं फिलहाल अभी सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, जो एक्चुअली मेरी मम्मी का है। स्मार्टफोन पढ़ने के लिए, सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, और जो एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं उनके बनाने के लिए हेल्पफुल होता है हमारे लिए। क्योंकि कुछ डाउट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई होती है, तो वो हम यूट्यूब के जरिए, बहुत सारे एप्लीकेशन है उसके ज़रिए हम पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैं पढ़ाई के सिलसिले में कुछ ऐप्स हैं वो यूज़ करती हूँ, जैसे NCERT सॉल्यूशंस हुआ और e-कक्षा। और मुझे कोई भी डाउट होता है, मैं सबसे पहले गूगल यूज़ लेती हूँ, उसमें कोई भी छोटे मोटे डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं मुझे। स्पेशली जब गर्ल्स घर से बाहर जाती है तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट रहता है स्मार्टफोन के, वो इनको सेफ्टी जैसा लगता है कि अगर हमारे पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो हम बाहर जाएँ तो थोड़ा सेफ फील कर पाते हैं। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो गर्ल्स को लिए थोड़ी सेफ्टी रहती है। सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नए विभाग के निर्माण कार्यों और दूसरी जरूरतों के लिए 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। सूरज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।